जिला परिषद ऊना की त्रैमासिक बैठक जिला परिषद अध्यक्षा नीलम कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा भी उपस्थित रहे। बैठक में बीती तिमाही की कार्यवाही व आय व्यय का अनुमोदन के अतिरिक्त अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान अगस्त से दिसंबर 2022 तक जिला परिषद की आय व्यय का भी अनुमोदन किया गया। इस मौके पर जिला परिषद के सदस्यों द्वारा पानी, सड़क, आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, LED लाइटें लगवाने सहित अन्य मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। अध्यक्ष ने अधिकारियों से कहा कि लोगों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का अधिकारी समयबद्ध पूर्ण करना सुनिश्चित करें ताकि क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सके। आज हमारी जिला परिषद की त्रैमासिकीय मीटिंग संपन्न हुई, उसमें सभी हमारे माननीय सदस्यों ने और हमारे सभी जिला के अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें कई तरह के मुद्दों पर चर्चा की गई। और उसके बाद हमारे माननीय जिला परिषद चैतन्य जी जो कि अब MLA ग्रेट बने हैं, उनका भी गमजोशी से स्वागत किया गया और कई मुद्दे पर चर्चा करते हुए जो मुद्दे हमारे संपन्न है। नवनिर्वाचित गगरेट विधानसभा के विधायक चैतन्य शर्मा ने कहा कि विधायक बनने से पहले वे भी जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे जिला परिषद के हर मुद्दे से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि विधायक होते हुए भी वे जिला परिषद के हर मुद्दे को उच्च स्तर पर रखेंगे। आज मेरे को जिला परिषद की बैठक में एज एन इलेक्टेड MLA आने का अवसर मिला। मैं इसी बॉडी में ही करीबन 2 साल पहले एज जिला परिषद इलेक्ट होकर आया था और आज मेरा यहाँ पर सभी लोगों ने जो है स्वागत भी करा। मैं हमारी माननीय अध्यक्षा महोदय साथ साथ में हमारे वाइस चेयरमैन साहब, सारे मेरे जितने भी जिला परिषद के मेरे फॉर्मर कॉलीग्स हैं और जो DPO साहब और ऑल द समस्त जिला परिषद ऑफिस का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एंड ऑल द अदर ऑफिशियल्स हु केम टुडे, मैं सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज मेरे को जो है ऑनर भी करा है एंड कुछ बातें जो है हमने आज आपस में साझा भी करी हैं। बीइंग अ फॉर्मर मेंबर ऑफ दिस बॉडी, मैंने अपनी तरफ से यही आश्वस्त करा है कि मैं बहुत अच्छे से भली भांति समझता हूँ कि एज अ मेंबर ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस हमें क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, तो उनके मद्देनजर रखते हुए आगे मेरा जो कार्यकाल रहेगा अगले 5 साल के एज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हिमाचल प्रदेश, मैं इस बॉडी के भी सारे मुद्दों को टाइम टू टाइम जो है हर एक फोरम पर उठाऊंगा, चाहे विधानसभा के माध्यम से हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिवली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के माध्यम से हो।